दबंगों पर मकान पर फर्जी तरीके से बैनामा करा लेने का आरोप लगा है। मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे मोहल्ला कटरा निवासी अधिवक्ता सुरेश सिंह चौहान ने दबंगों पर फर्जी तरीके से मकान का बैनामा कराने का और घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करने और मकान खाली करने का आरोप लगाया है। पीड़ित अधिवक्ता ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे शिकायती पत्र में न्याय की गुहार लगाई है। अखिल साहब, क्या पूरा मामला है? आप कप्तान से मिले हैं? मकान नंबर 262, 263, 264 का मोहल्ला कटरा में वाक़ है। उस मकान की पूर्व मालिक मिथिलेश कुमारी जो थी, उनका बैनामा सन 2005 में हमने निपटा दिया था कोर्ट से। उसमें आधे 10/5/2005 को हो चुका था। उसके बाद भी मिथिलेश कुमारी ने उषा रानी के हक़ में बैनामा कर दिया और उषा रानी ने नितेश कुमार और रघुवीर सिंह के नाम बैनामा दिनांक 25/2/13 को कर दिया। उस बैनामा के आधार पर नितेश कुमार और रघुवीर सिंह जो है जबरिया कब्जा करना चाहते हैं, और जबकि उस मकान पर हमारा 2005 से ही कब्जा दखल चला आ रहा, और वो उनका कहना है कि हमारा जबरिया मकान पर कब्जा कर लिया जबकि उनका मकान ही नहीं था और ना उनका बैनामा वैध है। और उस बैनामा में उन्होंने गलत पैमाइश और गलत चौधरी भी डलवाई है। और कल इसी बात को लेकर कोई विवाद भी हुआ है? इसी बात को लेकर के कल जो है सीओ साहब जांच करने आए थे और सीओ साहब के जांच के समय ही उन लोगों ने हमारे घर में घुसकर, कुछ महिलाएं थी उनके साथ, कुछ जेंट्स थे, उन्होंने झगड़ा किया, हमारी महिलाओं को भी मारा पीटा और हमारे छोटे वो बड़े बच्चे के आती है पहले जांच मार नहीं पाई। पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, पुलिस की तरफ से अभी कोई नहीं कार्रवाई हुई है। और हम आज एसपी से मिले, उन्होंने क्या कहा आपसे? एसपी साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि जांच की कार्रवाई होगी और सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया है। हम सभी से मिले और हमारी अभी FIR दर्ज नहीं हुई, इसीलिए आए थे। और उनका कोई कब्जा नहीं, जबरदस्ती वो विवाद कर रहे हैं और हमको बदनाम कर रहे हैं कि हम उनके मकान पर जबरिया कब्जा कर रहे हैं, जबकि कब्जा हमारा पहले से ही है और उनके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।